जनपद पौड़ी में राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। परिवहन और जनपद के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने लखपति दीदी के समूह को भी सम्मानित किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक और भवन की चाबी प्रतीक स्वरूप भेंट की। वहीं शहर के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जनपद के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास ने राज्य आंदोलन के शहीदों ने नमन करते हुए उनकी शहादत को याद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहीदों के सपनों के अनुसार ही राज्य का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीबों और निर्धनों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 5,000 की सहायता राशि के चेक प्रदान किए। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना के तहत पौड़ी पाबो कोट और थलीसैंड ब्लॉक के 20 स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। कुछ हमारे लाभार्थियों को भी उत्तराखंड राज्य के 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रभारी मंत्री होने के नाते ये कार्यक्रम आज हम जनपद मुख्यालय पौड़ी में मना रहे हैं। और इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, पौड़ी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस राज्य के निर्माण के लिए जिन शहीदों ने अपनी शहादत दी है, मैं उनको नमन करता हूँ।